हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूजीसी नेट दिसंबर 2024 के नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने यूजीसी नेट दिसंबर 2024 एग्जाम के लिए नोटिफिकेशन रिलीज किया था। कैसे आप इस एग्जाम के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप के बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि कौन सी वो कॉमन मिस्टेक है जिसे करने से यहाँ पर आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं या फिर रिजेक्ट हो रहे हैं। आपको उस मिस्टेक से बचना है। यहाँ पर अंतिम मौका है आपके लिए अप्लाई करने का। केवल 8 दिन यहाँ पर शेष रह गए हैं। जल्द से जल्द आप अपने फॉर्म अप्लाई कर दें इस वीडियो को फॉलो करते हुए स्टेप बाय स्टेप। तो बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट indsarkarinaukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहां पर आपको इस एग्जाम के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है। एनटीए ने यूजीसी नेट दिसंबर 2024 के लिए नोटिफिकेशन रिलीज किया था। आप 10 दिसंबर 2024 तक अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। आपको यहां पर इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन में आकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके इस एग्जाम के इंफॉर्मेशन ब्राउचर को ओपन करके इसमें से आपको पूरी डिटेल रीड कर लेनी है। उसके बाद आपको अप्लाई करना है। अप्लाई के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एनटीए का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। गाइस, यहां पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको अपना एप्लीकेशन नंबर एंटर करना है, पासवर्ड एंटर करना है, ये सिक्योरिटी पिन यहाँ पर एंटर करना है और लॉगिन करके अपने डैशबोर्ड में से आपको अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और अगर आप इस एग्जाम के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए यहाँ पर आपको न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर इस लिंक पर क्लिक करना है, इस टैब पर क्लिक करना है। जनरल इंस्ट्रक्शंस आपके सामने ओपन होंगे, इन्हें आपको केयरफुली रीड करना है। पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और क्लिक हियर टू प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस चेकबॉक्स को ओके करने के बाद नेक्स्ट यहां पर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहां पर आपसे पूछा गया है आपकी आईडी के बारे में, आपसे पूछा गया कि क्या आपके पास आधार नंबर है और आप आधार नंबर का उपयोग करके अपना लॉगिन बनाना चाहते हैं, और अगर आपके पास डिजी लॉकर खाता है आप उसके माध्यम से यहां पर अपना लॉगिन बनाना चाहते हैं। इनमें से आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करें। अगर आप आधार यहां पर ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो आपको अपना आधार नंबर एंटर करना होगा, और पासपोर्ट पैन कार्ड सेलेक्ट करते हैं तो उनके लिए भी आपको अपना पासपोर्ट या फिर पैन कार्ड का नंबर एंटर करना होगा। उसके बाद आपको जनरेट ओटीपी ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जिससे आपका आधार अटैच है उस पर एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आपको यहां पर एंटर करना है और फिर आपको वैलिडेट ओटीपी इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आधार कार्ड के थ्रू अगर यहां पर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप यहां पर अपने पैन कार्ड का यूज करते हुए अपनी लॉगिन आईडी बना सकते हो, या फिर आप अपने पासपोर्ट के थ्रू यहां पर अपनी लॉगिन आईडी क्रिएट कर सकते हो। अपने पासपोर्ट का नंबर एंटर करके या फिर आप पैन कार्ड का नंबर एंटर करके आप यहां पर क्लिक हियर टू प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहां पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल प्रोवाइड करानी है। सबसे पहले यहां पर आपको अपना नाम एंटर करना है, उसके बाद आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है, फिर आपको अपनी मदर का नाम एंटर करना है, उसके बाद यहां पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। नेक्स्ट यहां पर आपको अपना ईमेल एड्रेस एंटर करना है, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। फिर यहां पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, मोबाइल नंबर एक बार फिर से एंटर करके उसे कंफर्म कर लेना होगा। कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो वो एंटर कर दें, नहीं है तो इस कॉलम को खाली छोड़ दें। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी नेशनैलिटी सेलेक्ट करनी है, फिर आपको अपनी कोई आइडेंटिटी यहाँ पर सेलेक्ट करनी है, उसके बाद यहाँ पर आपको उसका नंबर एंटर कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस एंटर करना है और फिर आपको अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पर एंटर करना है। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके प्रेजेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम होगा तो यहाँ पर आप इस चेकबॉक्स को ओके कर दें, सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके प्रेजेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। उसके बाद यहां पर आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है।
पासवर्ड यहां पर आपको अपना अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में क्रिएट करना होगा। आपका पासवर्ड 8 से 13 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए और आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @#, या फिर $ होना चाहिए। वही पासवर्ड आपको एक बार फिर से एंटर करके उसे कन्फर्म कर लेना होगा। एक सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है, उसका आंसर यहाँ पर आपको देना है। फिर यहाँ पर आपको ये कैप्चा कोड एंटर करना है और सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। फिर आपने पीछे जो डिटेल फिल की है उसका पूरा प्रीव्यू यहाँ पर आपको शो कर दिया जाएगा। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म इस ऑप्शन पर क्लिक करके एडिट कर ले, नहीं तो आप इन सभी चेकबॉक्सेस को ओके करें, आई एग्री इस चेकबॉक्स को ओके करें और फिर आप सबमिट एंड सेंड ओटीपी इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। फिर आपके सामने मैसेज शो हो जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन यहां पर सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। आपकी ईमेल आईडी पर एक ओटीपी सबमिट किया गया है, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है और फिर आपको ये कैप्चा कोड एंटर करके अपनी ईमेल आईडी को यहाँ पर वेरीफाई कर लेना है। ईमेल आईडी वेरीफाई करने के बाद एक एप्लीकेशन नंबर आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर सबमिट कर दिया गया है, आपको उसे केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। अब यहाँ पर आपको ओके करना है और अपना एप्लीकेशन नंबर जो आपकी ईमेल आईडी पर आया है वो यहाँ पर आप एंटर करें, अपना पासवर्ड यहाँ पर एंटर करें जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया है फॉर्म फिल करते हुए, और यहाँ पर ये सिक्योरिटी पिन आप एंटर करके लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करें और अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करके फॉर्म अप्लाई करें। लॉगिन करने के बाद आपको अपने डैशबोर्ड में आकर कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको कुछ चीजें ऑटोमेटिकली फिल मिल जाएगी जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे यहाँ पर फिल की थी। उसके बाद आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। अगर यहाँ पर आप अपने प्रेजेंट एड्रेस या फिर परमानेंट एड्रेस में कोई चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर अब आपको ये कैप्चा कोड एंटर करना है, आई एग्री चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल प्रोवाइड करानी है। कुछ डिटेल यहाँ पर भी आपको ऑटोमेटिकली फिल मिल जाएगी जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे फिल की थी। अब यहाँ पर बस आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप नेशनल फेलोशिप शेड्यूल कास्ट स्कीम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, अप्लाई करने के लिए इच्छुक हैं, अगर है तो यस करें और फिर यहाँ पर अपनी डिटेल दें, नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना डोमासाइल स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, यानी कि आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप PWD कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो यहाँ पर, और आपकी परसेंटेज PWD की 40% से ज़्यादा है या फिर कम है, अगर है तो यहाँ पर आप ऑप्शन सेलेक्ट करें, 40% से ज़्यादा है तो 40%, यस, लेस है तो लेस ऑप्शन सेलेक्ट करें, और अगर आप PWD कैंडिडेट नहीं है तो यहाँ पर आपको सिर्फ नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप डायबिटिक कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो यस करें और नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर आपसे पूछा गया है आपकी एनुअल इनकम, आपकी फैमिली की यानी कि आपके पेरेंट्स की, गार्जियन की एनुअल इनकम कितनी है, यहाँ पर आप ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको ये कैप्चा कोड एंटर करना है, आई एग्री इस चेकबॉक्स को ओके करना है और सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। गाइस यहाँ पर UGC नेट दिसंबर 2024 के इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास कोई मास्टर डिग्री होनी चाहिए किसी रिलेवेंट सब्जेक्ट के अंतर्गत मिनिमम 55% मार्क्स के साथ, या फिर मास्टर डिग्री में अगर आप फाइनल ईयर में अपीयर्ड हैं, फाइनल ईयर अपीयर्ड कैंडिडेट्स भी एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए, या फिर आपके पास कोई अंडर ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए किसी रिलेवेंट सब्जेक्ट में किसी वेल रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। यहां पर अगर आपके पास अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम की डिग्री है तो इस ऑप्शन को सिलेक्ट करें और यहां पर आप स्टेटस बताएं, आपने अपनी अंडर ग्रेजुएट डिग्री कंप्लीट कर ली है तो पास ऑप्शन सेलेक्ट करें, फाइनल ईयर में अपीयर्ड है और रिजल्ट अवेटेड है तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करें और फिर अपनी डिटेल दें, और अगर आप पास आउट हो चुके हो तो यहां पर पास ऑप्शन सेलेक्ट करें, फिर आप पासिंग ईयर यहां पर सेलेक्ट करें, उसके बाद यहां पर 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट जो आपका प्रोग्राम है उसका नाम यहां पर दें, क्या आप कर रहे हैं बीए, बीकॉम, बीएससी, बीटेक या फिर जो भी आपका अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है। फिर आपसे पूछा गया कि आपने अपनी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम कहां से पास आउट किया है, इंडिया से या फिर इंडिया से बाहर से। उसके बाद यहां पर आपको बताना है अपना क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट, किस स्टेट से आपने अपनी ग्रेजुएट डिग्री कंप्लीट की है। उसके बाद यहां पर आपको अपनी यूनिवर्सिटी का नाम सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको अपने रिजल्ट का मोड बताना है, आपका रिजल्ट परसेंटेज में है या फिर CGPA में, ऑप्शन सेलेक्ट करें। परसेंटेज में अगर है तो यहां पर आप पहले टोटल मार्क्स एंटर करें, फिर कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो एंटर करें,
इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी परसेंटेज कैलकुलेट होकर आ जाएगी। इस तरह से आप अपनी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम की डिटेल फिल कर सकते हो। और अगर आपने मास्टर डिग्री कंप्लीट कर रखी है तो यहाँ पर आप मास्टर डिग्री ऑप्शन सेलेक्ट करें, फिर आप अपने पासिंग स्टेटस बताएं, आप पास आउट कर चुके हो अपनी मास्टर डिग्री या फिर फाइनल ईयर में हो और रिजल्ट अवेटेड है, यहाँ पर आप ऑप्शन सेलेक्ट करें। अगर आप पास आउट कर चुके हैं तो पास ऑप्शन सेलेक्ट करें, फिर आप यहाँ पर पासिंग ईयर बताएं, कब आपने अपनी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री पास आउट की है। फिर यहाँ पर आपको अपना कोर्स या फिर स्ट्रीम सिलेक्ट करनी है जिसमें आपने यहाँ पर अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, जैसे कि एमकॉम या फिर सीए सीएस आईसीडब्ल्यूए या फिर मास्टर ऑफ आचार्य, आपने जिसमें भी अपनी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कंप्लीट की है यहाँ पर आप ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आप सब्जेक्ट बताएं, किस सब्जेक्ट में यहाँ पर आपने अपनी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कंप्लीट की है, यहाँ पर आप ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर आपसे पूछा गया है आपने अपना ये क्वालिफाइंग एग्जाम इंडिया से पास आउट किया है या इंडिया के बाहर से, ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद जहाँ से आपने अपनी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कंप्लीट की है उसका स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी का नाम सेलेक्ट करना है जिससे आपने अपनी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कंप्लीट की है। फिर आपको अपने रिजल्ट का मोड बताना है, आपने परसेंटेज में आपका रिजल्ट है या फिर सीजीपीए में, ऑप्शन सेलेक्ट करें। परसेंटेज अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको टोटल मार्क्स एंटर करने हैं, फिर आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो यहाँ पर आपको एंटर करने हैं, इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी परसेंटेज कैलकुलेट होकर आ जाएगी। इस तरह से अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल फिल करने के बाद अब यहाँ पर आपको ये कैप्चा कोड एंटर करना है, आई एग्री चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी कुछ एडिशनल डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपको पीएचडी में प्रवेश मिला है, अगर मिला है तो यस करें और फिर उसकी डिटेल दें। यहाँ पर आपसे पूछा गया है अगर आपको प्रवेश मिला है कि क्या आपने अपनी पीएचडी की डिग्री कंप्लीट कर ली है, आप अवार्डेड हो चुके हैं, अगर हो चुके हैं तो आप अवार्डेड ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर यहाँ पर आप यूनिवर्सिटी का नाम दें जिससे आपने अपनी पीएचडी कंप्लीट की है और फिर किस ईयर में आपने कंप्लीट की है वो ईयर आप सेलेक्ट करें। और अगर आप यहाँ पर पीएचडी कर रहे हैं तो परसिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें, यूनिवर्सिटी का नाम दें, किस ईयर में आपका एडमिशन हुआ है पीएचडी में वो ईयर आप यहाँ पर सेलेक्ट करें। और अगर आपको यहाँ पर पीएचडी में प्रवेश नहीं मिला है तो यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। और उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपको जो आपका मास्टर लेवल का एग्जामिनेशन है आपका 19 सितंबर 1991 तक कंप्लीट हो चुका है, अगर हो चुका है तो यस करें, नहीं हुआ है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपसे कुछ और डिटेल्स पूछी गई है, आपको किसी फील्ड में स्पेशलाइजेशन है तो उस फील्ड का नाम यहाँ पर एंटर करें। और फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपको कोई रिसर्च करने का एक्सपीरियंस है, अगर है तो यस करें और फिर यहाँ पर रिसर्च कितने ईयर का एक्सपीरियंस है वो ईयर यहाँ पर आप एंटर करें और अगर नहीं है तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप ई एक्स सर्विस मैन हैं, अगर हैं तो यस करें और फिर आप उसकी डिटेल दें कि आप कितने ईयर से सर्विस कर रहे हैं और अगर नहीं है तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको ये कैप्चा कोड एंटर करना है, आई एग्री चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको आपके एग्जाम और सेंटर्स के रिगार्डिंग डिटेल प्रोवाइड करनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अप्लाई फॉर ऑप्शन में असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर जेआरएफ या फिर पीएचडी ओनली ऑप्शन पर क्लिक करना है। तीनों चेकबॉक्सेस आपके सामने यहाँ पर क्लिक हो जाएंगे। इस एग्जाम के बाद आप इन पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। अब यहाँ पर आपको सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, किस सब्जेक्ट में आप यूजीसी नेट के एग्जाम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहां पर सब्जेक्ट सेलेक्ट करें। फिर यहां पर आप क्वेश्चन पेपर का मीडियम सेलेक्ट करें, आप किस लैंग्वेज में अपना क्वेश्चन पेपर चाहते हैं यूजीसी नेट एग्जाम का, हिंदी या फिर इंग्लिश में। उसके बाद यहां पर आपको आपके एग्जाम सिटी सेलेक्ट करनी है, चार ऑप्शन यहां पर आपको दिए गए हैं। पहले आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, फिर यहां पर आपको एग्जाम सिटी सेलेक्ट करनी है, यहां पर आपको वन बाय वन करके चार एग्जाम सिटी सेलेक्ट कर लेनी है, अपना स्टेट सेलेक्ट करें और फिर यहां पर आप एग्जाम सिटी सेलेक्ट करें। उसके बाद यहां पर आपको आपके गार्जियन की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूछी गई है, आपके फादर की क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, यहां पर आप ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहां पर आप अपने फादर का ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करें, क्या व्यवसाय है उनका, ऐसे ही आपको अपनी मदर की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करनी है और उनका ऑक्यूपेशन आपको यहां पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहां पर आपको ये कैप्चा कोड एंटर करना है, आई एग्री चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर
क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। गाइज हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि कौन सी वो कॉमन मिस्टेक है जिसे करने से यहाँ पर आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं। तो इस सेक्शन में आपको केयरफुली अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। दी गाई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर आपका फोटो 10 से 200 केबी के बीच में होना चाहिए, सिग्नेचर 4 से 30 केबी के बीच में, और यहाँ पर सिग्नेचर जब आप अपलोड करेंगे तो उस फाइल का नाम भी आपकी सिग्नेचर होना चाहिए, अदरवाइज आपके सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड नहीं होंगे। तो यहाँ पर आपको दी गाई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, अदरवाइज आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट करना है और वन बाय वन करके आपको अपना फोटो और सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड कर देने हैं। आपको सिग्नेचर की फाइल पर उसका नाम सिग्नेचर ही अंकित करना होगा, अदरवाइज यहाँ पर आपके सिग्नेचर अपलोड नहीं होंगे। इस तरह से अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद अब आपको सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर गाइड आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म की सभी डिटेल्स प्रोवाइड करा दी गई है, पूरा प्रीव्यू यहाँ पर आपको प्रोवाइड करा दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली रीड करनी है, कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करके बैक बटन पर क्लिक करके बैक करके उसमें ओके कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर अब आपको सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है। इस पेज के टॉप पर ही आपको प्लीज वेरीफाई योर मोबाइल नंबर के सामने क्लिक हियर लिंक पर क्लिक करना है और अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर वेरीफाई कर लेना है। आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP सबमिट किया जाएगा, वो OTP यहाँ पर आप एंटर करके अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई कर लें। जैसे ही आप क्लिक हियर लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर अब आपको ये कैप्चा कोड एंटर करना है और सेंड OTP ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP सबमिट किया गया होगा, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है, ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और वेरीफाई OTP ऑप्शन पर क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई कर लेना है। मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के बाद अब आपको दोबारा से कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहां पर आपको शो होगा आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो चुका है। आपके सामने आपके एप्लीकेशन फॉर्म की सभी डिटेल्स यहां पर शो कर दी गई है जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म की फिल किया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली रीड करनी है, पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप बैक बटन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म में एडिट कर सकते हो, नहीं तो यहां पर अब आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने ये पॉपअप शो होगा, यहां पर आपको इन सभी चेकबॉक्सेस को ओके करना है। इन सभी चेकबॉक्सेस को वन बाय वन करके ओके करने के बाद अब आपको फाइनल सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने मैसेज शो होगा, आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है, आपको ओके करना है। यहां पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म तो सबमिट हो चुका है लेकिन इसे कंसीडर आपकी एप्लीकेशन फीस पेमेंट करने के बाद किया जाएगा। तो यहां पर गाइस आप अगर जनरल कैटेगरी कैंडिडेट हैं तो आपको 1150 रुपये फीस के रूप में जमा कराने होंगे। OBC EWS कैंडिडेट हैं तो आपको 600 रुपये फीस के रूप में जमा कराने हैं। SC ST PH कैंडिडेट हैं तो आपको 325 रुपये फीस के रूप में जमा कराने होंगे और अगर आप PWD कैंडिडेट हैं तो आपको कोई फीस जमा नहीं करानी होगी, आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो यहां पर अगर आप फीस के दायरे में आते हैं तो यहां पर आपको अपना फीस का अमाउंट जमा कराना होगा, तभी आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंसिडर किया जाएगा। तो अब यहां पर आपको पे नाउ ऑप्शन पर क्लिक करना है और फिर आपको पेमेंट इंटरफेस के इस गेटवे पर रिडायरेक्ट किया जाएगा। आप SBI ePay के थ्रू, HDFC के थ्रू, केनरा बैंक के थ्रू या फिर ICICI के थ्रू यहां पर अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करें, उसके बाद आपको फीस पेमेंट के इंटरफेस पर रिडायरेक्ट किया जाएगा। यहां पर आप नेट बैंकिंग या फिर क्रेडिट कार्ड या फिर UPI या फिर डेबिट कार्ड के थ्रू अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करने के बाद आपको आपके डैशबोर्ड में रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। वहां से आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंटआउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप अपने UGC नेट दिसंबर 2024 साइकिल के फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।